सीओ साहब अंदर फंसे हुए हैं, मोबाइल गाड़ी में है सर। सीओ कहाँ से हैं सर? सर सीओ साहब वहाँ अंदर जहाँ गांव है, दो सिपाहियों को गोली लग गई है सर, मंदना चौकी इंचार्ज को भी गोली। नहीं मंदना चौकी में हो तुम लोग? सर, मैं चौबेपुर थाने क्षेत्र में बिकरू गांव पड़ता है सर। तुम कहाँ हो? मैं भी यही हूँ सर, यही कौन बोल रहे हो? मैं विनय तिवारी बोल रहा हूँ सर। ऐसा बोल रहे हो? सर सर तो सीओ को कहाँ छोड़ के आए हैं? सर गोली चली सर, तितर बितर हो गए इधर उधर सब लोग। मैं कितने लोग कितने लोगों को लेके गए हो? सर 3 SO थे और सीओ साहब थे, फोर्स कितने चालीस फोर्स पचास थे? तो 40-50 आदमी सर। गोली किसने चलाया? गोली सर वही विकास यादव के अंदर से घर से चला रहा है बराबर, लगातार 4-5 आदमी थे अकेला सर। एक घर वाला एक आदमी ने चलाया ना? अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से चल रही है गोली। या क्या नाम है उसका जिस गोली चला रहा है? विकास दुबे, विकास ये दुबे गांव के प्रधान मदान को बुलाओ। गांव का प्रधान कौन है? ये यही इसी का भाई है प्रधान। इसी के भाई प्रधान है। सीओ को क्या हुआ यार? जरा सर अंतर छोड़ के सर भागे आए तुम लोग? कहाँ भागा नहीं हूँ सर, मैं भागा नहीं हूँ सर, मैं उसको अजय सिपाही को लेके आया सर। कहाँ लगी उसको? उसको सर पेट में लगी है गोली, और मंदना चौकी इंचार्ज को हाथ में लगी सर, तो पेट में लगी तो चर्रा लगा कि वो क्यों कौन सी लगी है? बुलेट लगी है सर। 315 की? अरे तो इनको किसी गाड़ी किसी एसओ के साथ गाड़ी सर को लेके तुरंत हॉस्पिटल भेजो। उन्हें बिठूर एसओ के साथ भेज दिया है सर एजेंसी। ठीक है जल्दी भेज जल्दी भेज अभी सर। हेलो सीओ आ रहे कि नहीं? अभी नहीं सर, उनका फोन भी नहीं किधर? उठ रहा है। किसी के घर में फंस गए या कहाँ हुआ? कुछ के साथ हमरे उमरे तो होंगे। अभी सब सर तितर बितर हो गए, फोन लग नहीं रहा है किसी का। वायरलेस करो, गाड़ी से वायरलेस करो, आसपास के जितने थाने हैं उसको बताओ। वो गांव बता दिया एग्जैक्टली सर, कौन सी है? कंट्रोल को बता दिया, बिकरू बिकरू गांव है सर, बिकरू गांव। ठीक है, सुशीटर का नाम क्या है? विकास विकास दुबे। दुबे। अभी मैं भी पहुंच रहा हूँ। फोर से पीछे से फोन कर करके अलग अलग रास्तों से इकट्ठा करिएगा, चारों तरफ कॉर्डन करिएगा, जो घायल है उनको हॉस्पिटल भेजिएगा। पीएसी के लिए भी बता दीजिएगा सर। अब आ रहे यार, मैं स्वयं आ रहा हूँ। पीएसी तो आएगी आएगी, और इसको बाहर नहीं निकलने दीजिएगा दुबे को। वो फायर कर रहा है, तुम पलट के फायर करो यार। अगर वो फायर कर रहा है, तुम्हारे सिपाही घायल है, तुम्हारे बंदूक क्या कर रही है यार? डरो मत, हम आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है सर, मैं इसलिए फायर किया जा रहा है सर इधर से। ठीक है। कौन बोल रहे हो अभी? सर मैं बोल रहा हूँ विनय। ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर, तो ये टोटल कितने लोग गोली चला रहे हैं? 5 से 7 आदमी होंगे, बहुत अधिक होंगे, उसी 10 के घर होंगे के सर। अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर, हाँ अच्छा, उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं। सर, अब अंधेरे में अच्छा समझ में नहीं आ रहा सर, गोली आके इधर से रही है, घर कंजेस्टेड गांव में, बीच गांव में घर है सर, तो क्लियर कर पाना मुश्किल है कि गोली किधर से आ रही है। आसपास के घरों से भी हल्ला आ रहा सर। अच्छा तो उनको पता था पुलिस फोर्स ही है? हाँ पता था, पुलिस फोर्स है, बिल्कुल क्लियर था सर। तो सभी को फोन लगाओ, धीरे धीरे से इकट्ठा करो, गांव के बाहर ले आओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, तो और सीओ से बात हो पा रही है? नहीं सर, सीओ साहब का एक फोन तो जिसका आपसे बात हो रही है, ये वही फोन है, गाड़ी में छूट गया था, और दूसरा फोन उनके पास है लेकिन उठ नहीं रहा है सर। अच्छा ये बताओ कौन सी असला है उनके पास? 303 सर, बम भी चला रहे हैं। अरे 315 के फायर हैं सर, और पिस्टल के फायर। अच्छा पिस्टल और 315 के फायर है, और लगातार चला रहे हैं, अभी बंद कर करके आदमी देख के चला रहे हैं। आदमी देख के चला रहे हैं सर, अभी हाल्ट है, अभी पिछले 15-20 मिनट चल रही थी, अभी हाल्ट है। ये कौन है उसके साथ, उसके घर में और कौन कौन रहते हैं? उसके घर में सर, उसके साथ में जो भी अपराधी रहते हैं, 4-5 आदमी असलहों के साथ रहते हैं सर। एक अमर तुझे ये दुबे सब है। पता था पहले से? पता था कि वो अपराधी है, बम भी है इसके पास, इतने असला है, तुम्हें पहले से पता था? मैं सर जानता था, मुझे अंदेशा था इस बात का, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था। क्यों 3 SHO SO गए हैं, तो अब क्या स्थिति है वहां पे? किसी से संपर्क हो पा रहा है? वायरलेस भी है? गाड़ियां रोड पर छोड़ के सर पैदल फोर्स अंदर गई थी, वहां गोलियां चलने लगी तो फोर्स तितर बितर हो गई सर। क्या स्थिति है, रीग्रुप कर पाए हो, लोगों को इकट्ठा कर पाए हो, पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर,
अभी अभी स्थिति जस की तस है सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं, सिपाही भी शांत हो गए हैं। सिपाही शांत है सर। हेलो हेलो जी सर। हाँ हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे उसने तो सर फायर किए ही है, उसने कम से कम वो तो किए हैं। अब क्या स्थिति में पूछ रहा हूँ अब सर, इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर छपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। मतलब ये क्या आप लोग उनके घर के अंदर तक पहुंच गए थे या कैसे हुआ था? नहीं सर, बाहर उसका घर के आसपास गली है सर चारों तरफ से, तो गली में हम लोग चारों तरफ फैल गए, आगे से पीछे तक वो लोग छत पे थे, ऑलरेडी जाग रहे थे पहले ही से। तो पहले नहीं, मतलब पहले से एम्बुश लगा के बैठे हुए थे? जी जी जी। तो इसका मतलब तुम्हारे थाने से किसी ने बताया होगा ना कि आएंगे आज पुलिस? पता नहीं सर ये क्या, हाँ पता नहीं सर। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी तो सर यहाँ हम लोग गाड़ियों की तरफ चले आए, जो अंदर फंसे हैं वो फंसे के फंसे ही हैं सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदर? अंदर मेरे समझ से तो सर 15-16 लोग होंगे। 15-16? अच्छा, किस पे गोली लगी सर कंफर्म नहीं है, फोर्स जितना हो सके सर उतना भेज दें। नहीं वो तो आ ही रहा, मैं स्वयं चले आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का? नंबर सर कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसा शिवराजपुर है उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी। चलिए ठीक है, पहुँच रहे हैं हम उसका जरा। वो घायल सिपाहियों का नाम हम नोट कर लो। अच्छा सुनो, गांव का कोई 2-4 पब्लिक का आदमी बुलाओ। सर आपकी गाड़ी आ रही है? हाँ ये आप आ रहे हैं सर? तुम कहाँ हो यार, थोड़ी देर तू कल्याण, मैं तो पहुँचने वाला हूँ। तो पब्लिक की 2-4 आदमी बुला लो जो बता सके कि साला कौन कहाँ से फायर कर रहा है। तुम्हारे साथ पब्लिक एक भी आदमी नहीं है? कोई नहीं है सर। फोन करके बुला नहीं पा रहे हो तुम पब्लिक को? सर यहाँ सारे संबंध भक्त हैं उसके, एकदम यहाँ कोई नहीं, हम किसी पर भी नहीं भरोसा कर सकते। तो 5 आदमियों को सीधी सीधी फायर मार दी है सर, अब किसको मैं पब्लिक वाले को, सब पब्लिक वाले तो गोली चला रहे हैं। अच्छा तो तुम्हारे कंप्लेन भी तो दिया है किसी ने, तुमने जो कहा मुझसे कि 307 का तहरीर दिया किसी ने सर कल्याणपुर एसओ साहब? हाँ दिया गया, लिखा गया है सर, उसी की दबिश में आए। तो वो 307 का वादी को तो बुलाओ। हाँ सर, हाँ सर बुला बुलाओ जल्दी।